So moving on to the next form of the past tense, that is past perfect continuous tense. Till now we have discussed about simple past tense, past perfect tense and past continuous tense separately, right? Now we will merge past perfect tense with past continuous tense. So past perfect continuous tense kya hota hai? Past perfect continuous tense मतलब ऐसा कोई action, ऐसी कोई activity जो कि past में हुई थी, लेकिन वो एक continuation period तक चली थी, ठीक है? वो activity continuously चली थी, लेकिन past में start होकर past में खत्म हो गई है, ठीक है? Definite start, definite end है, ठीक है? जैसे कि अगर आप बोलोगे कि आप कल 5 hours पढ़े थे, ठीक है? तो ये क्या आपका activity क्या हो रही है? आपकी continuous चल रही है 5 hours के लिए, लेकिन कब की है? ये past की है। तो आपको पता है कि आपने कितनी देर पढ़ा था, परफेक्टली आपको टाइम पता है आपने 5 hours के लिए पढ़ा था, कब पढ़ा था, लेकिन कल पढ़े थे आप, तो आपका कौन सा फॉर्म है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे आप कैसे बोलोगे कि मैं कल 5 घंटे पढ़ी थी, ठीक है? इसे ही हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैड बीन रीडिंग फॉर 5 hours यस्टरडे, ठीक है? तो यहाँ पे जहां पर भी आपका कंटिन्यूस टेंस आ रहा है, तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपको आईएनजी उसमें ऐड करना है फर्स्ट थिंग, राइट? आईएनजी के बाद, तो आईएनजी लगाने के बाद अगर आपका पास्ट में है तो आप हैड बीन उसमें ऐड करेंगे, ओके? सो इस तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा कि वो एक्शन जो कि पास्ट में हुआ था लेकिन कंटिन्यूसली वो कुछ पीरियड के लिए चला था, ठीक है? तो वो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसलिए क्योंकि हमें उसका पीरियड ऑफ एक्शन कितनी देर तक चला था वो हमें पता है, ठीक है? और इसमें हम हैड बीन यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब के साथ हम लगाएंगे आईएनजी, ठीक है? अ कंटिन्यूस एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड सम टाइम इन द पास्ट फॉल्स अंडर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सच सेंटेंस आर फ्रेम्ड बाय यूजिंग द मॉडल हैड प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है? अब देखो, अ कंटिन्यूस एक्शन जो एक एक्शन जो कि कंटिन्यूसली चला था लेकिन कुछ पास्ट में ही कुछ टाइम पहले वो खत्म हो चुका था, ऐसे एक्शंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। अब इसका फ्रेम कैसे होगा? इसमें हम यूज करेंगे, हम इस टेंस में मॉडल का यूज करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे हैड के साथ हम लगाएंगे बीन, had been, उसके बाद हम लगाएंगे present participle of the verb। हमने past perfect tense में हम क्या कर रहे थे? हम past participle लगा रहे थे verb का, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम present participle plus ing लगाएंगे। जैसे कि मैंने क्या कहा था, I have been reading, इसमें मैं क्या कर रही हूँ? read क्या है? present participle है verb का और उसमें मैं ing add कर रही हूँ, ठीक है? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब आपका पास्ट टेंस का नहीं रहेगा, पास्ट पार्टिसिपल नहीं रहेगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा और उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, ठीक है? तो इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रहा है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके? सो जस्ट वी विल जस्ट गो थ्रू सम एग्जांपल्स नाउ। I had been playing the guitar all morning, ठीक है? ये क्या हो रहा है? ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में खत्म हो चुका है लेकिन वो कंटिन्यूस चला है। कैसे कंटिन्यूस चला है? ऑल मॉर्निंग, ऑल मॉर्निंग की बात हो रही है कि एक्शन जो है आप गिटार बजा रहे थे पूरी सुबह में, ठीक है? तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं had been plus play, play हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब है, इसमें हम ing लगा रहे हैं, playing the guitar all morning, तो ये all morning तक continuously चला था action, इस वजह से आपका है past perfect continuous tense, कि आपको पता है आपने कब शुरू किया, आपने कब खत्म किया, okay? I had been sleeping all the way from the beginning of the class. अब यहाँ पे क्या है? I had been, ठीक है? आप क्या कर रहे थे? Sleeping. यहाँ पे अगेन हमारा verb का है first participle form sleep plus हम लगा रहे हैं ing sleeping. All the way from the beginning of the class. कब start हुआ था action? Class की शुरुआत हुई तब. तो खत्म कब हो रहा है? Class के end में खत्म हो रहा है. आप क्या कर रहे थे? पूरी class में आप सो रहे थे. ठीक है? So इस वजह से it is I had been sleeping all the way from the beginning of the class. I had been trying to call her. Okay? आप क्या try कर रहे थे? यहाँ पे आपका verb है try. आप लगा रहे हो ing.
I had been sorry trying to call her. He had been trying to call her. कि वो continuously उसे call करने की try कर रहा था लेकिन call connect नहीं हुआ. Until this year, Neha had been going to a village school. अब यहाँ पे क्या है? Until this year, कब की बात हो रही थी? इस साल तक, ठीक है? कि इस साल के शुरुआती तक, मतलब past में, इस साल के last year तक Neha गांव के school में जाती थी, लेकिन अब वो उस school में नहीं जा रही है. Until this year, मतलब इस year तक, इसके पहले तक, okay? तो ये आपका पास्ट टेंस, इस वजह से आ रहा है नेहा हैड बीन गोइंग, क्योंकि स्कूल है, स्कूल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप लोग डेली जाते हो, फॉर इयर्स आप लोग जाते हो स्कूल, है ना. तो गो गो आपका प्रेजेंट फॉर्म है, इसमें आप लगा रहे हो आईएनजी, तो हो रहा है गोइंग टू अ विलेज स्कूल. तो नेहा क्या कर रही थी? नेहा विलेज स्कूल जा रही थी इस साल के पहले तक. द बेबी हैड बीन क्राइंग आउट लाउड फॉर मिनट्स व्हेन हर मदर फेड हर, ठीक है. अब बता रहा है द बेबी हैड बीन क्राइंग, बच्चा रोता है तो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, कुछ देर तक वो रोता रहता है. कब रो रहा था? जब उसकी मदर उसे खाना खिला रही थी तब, ठीक है. तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा था कि जब उसकी मदर उसे खाना खिला रही थी उस टाइम तक बेबी रो रहा था. तो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. होप इट इज ऑल क्लियर टू यू.